मैटर ये करता है आपकी सोच, तुम जैसा सोचोगे वैसा होगा। हरा चश्मा लगाओ पूरी दुनिया हरी दिखेगी, ब्लू चश्मा लगाओ ब्लू दिखेगी। बिल्कुल, बट कोई एग्जैक्ट थोड़ा वर्क स्केड्यूल है कि 54 CC कैसे करी? मतलब एक AS, हम ये वीडियो पॉडकास्ट देख रहा है आपका, तो वो कैसे फ्रंट में ज़्यादा AS करा सकता है? अब मेरा जो होता है ना, मेरा एक एवरेज होता है, 20 बंदा बिठाऊंगा तो मुझे विश्वास है मैं, हर फनल में, हाँ हर फनल में 20 बंदा बिठाऊंगा, मुझे विश्वास है मैं 5 से 8 AS डैम श्योर निकालूंगा। अच्छा, क्योंकि मेरे को विश्वास है, ये मेरा रेशियो है, 3 साल से मेरे को पता है मैं 10 बंदा बिठाता हूँ, एक तो क्लोज करता ही हूँ, भला मुझे उसके 1-2 घंटे क्यों ना लगाना पड़े एफर्ट्स, आई नो मैं निकालूंगा। तो आप अपना एक रेशियो ढूंढो, मेरा रेशियो था, मुझे पता था कि भाई इतना बंदा बिठाऊंगा तो मैं इतना निकाल सकता हूँ, लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज। आप भी एक रेशियो ढूंढो कि भाई आपको भी विश्वास होगा अपने अपने काम पे कि अगर मैं इतनी कॉलिंग करूंगा तो इतना एनरोलमेंट निकाल लूंगा, इतनी कॉलिंग करूंगा तो इतना AS में निकाल सकता हूँ, अपना दम है। हाँ, सही। और मैंने मेरे पूरे महीने में 4 से 5 फनल ही होते, मेरे 8-8, 9-9 नहीं होते, मेरे 4 से होते हैं तो भी मैं काम नहीं करता, क्योंकि मंदिर में टीम को भी तो देखना है। मैंने 4 फनल में से सही तरीके से ना 2 ही फनल में काम किया, फर्स्ट फनल सेकेंड फनल। उस फर्स्ट और सेकेंड फनल के अंदर मैंने अपने 27 कितने AS होते हैं वो 54 के, हाँ 27 AS में से मैंने लगभग 22 AS तो उसमें ही निकाल लिए फर्स्ट और सेकंड साइकिल में। बस फिर अक्रम के लिए रही कितने गए? और उसके बाद थर्ड और फोर्थ साइकिल के अंदर मेरे को, मैं 60 कर सकता था, 60 का टारगेट लिया था, 6 कम किया, क्योंकि फोर्थ साइकिल में ना मेरे को बहुत सारी बिलिंग्स का प्रेशर आ गया था, टीम से बहुत सारे वो हो गया था, क्लोजिंग्स आ गया था। अब बहुत सारे लोग ये पूरा महीना लेके बैठते, आपको भी पता है मुझे भी पता है, एक मैनेजर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, लीडर्स के लिए स्पेशली पूरा महीना नहीं रहती क्लोजिंग, नहीं रहती क्लोजिंग, आती है 25 के बाद ही, मंथ एंड पे आखिरी के 5 दिनों में। स्टार्टिंग के 15 दिन भी अगर हम अपने आप को दे तो हम फ्रंट में 5 AS बड़े आराम से हर मैनेजर हर सुपरवाइजर करा सकता है, और ये मैं पिछले 3 साल से हर बार कराता हूँ। क्या क्रम, ये जो आज आपने जो कन्वर्जन की बात करी कि मैं इतना बंदा बिठाता हूँ तो इतना AS कराता हूँ, क्या ये आपकी स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड से जो प्रैक्टिस आपने करी है उसकी वजह से? आपको तो पता होगा शुभम भाई, आप मेरे से ज़्यादा पुराने इस इंडस्ट्री में, पहले क्या चलता था, 5 बजे BOPP, फिर मार्केटिंग प्लान की रिकॉर्डिंग भी जाना होता था, और फिर लाइव रोहित सर का सेशन दिखाना होता था, उसमें मैं 80-80 बंदा बैठाता था। आपको पता था पहले एनरोलमेंट नहीं होता था, तो खाली बंदा रेडी करे, आज 5 बजे रेडी रहना, 80-80 बंदा बैठाता था, 5-5 बंदे देखते थे, आपको भी पता है ये रेशियो निकलता था, 5 बंदे देखते थे मार्केटिंग प्लान तक, 2 बैठते थे, और फिर रोहित सर का सेशन दिखाए बाद उसको 2 घंटे की क्लोजिंग होती थी। याद है जियो का सिम नहीं निकली थी, फ्री रिचार्ज होता था, 2 बार फोन काटता था, मेरा भी कटता था। बट जब ये प्रैक्टिस हुई, स्किल सीखी, लोग पूछते सर आप कौन सी बुक पढ़ते हो, 3 साल में 1 बुक नहीं पढ़ी। सर आप कितनी यूट्यूब वीडियोज देखते हो, 3 साल में 30 YouTube वीडियो से ज़्यादा नहीं देखी। सर आप कितनी 7:30 देख ली, वो तो मैनेजर बने बाद से देखना शुरू किया 7:30, क्योंकि टीम लगा, को बोलेगा आज तक नहीं देखा, नहीं देखी है वो मैनेजर बने बाद। कृष्णा सर भी देख रहे हैं पॉडकास्ट, मैं देखता हूँ AS लेवल पे भी देखता था, बट उतना मन लगा के नहीं देखता था, सिंपल सी बात, क्योंकि मैं उस टाइम डिस्ट्रैक्टेड रहता था, कम पैसे आ रहे थे, होता है थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है इनिशियल लेवल पे, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अब मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम भी देख रही है तो मुझे भी फर्ज बनता है देखना है, क्योंकि टीम को सिखाना होता है उसके अकॉर्डिंग ही। तो मैंने जितनी सारी चीज़ें सीखी ना वो मार्केट में रह के सीखी, मतलब काम करते हुए सीखी। प्रॉस्पेक्ट ऑब्जेक्शन देता था ना तब मैं उसकी तलाश में निकलता था, मैं पहले ही उसकी तलाश नहीं करता था। बहुत सारे नए लोग क्या करते, सर अगर हमारे साथ ये हुआ तो क्या करें, हुए जब देख लेंगे। आपको अगर एक लर्निंग करनी है ना, एक अच्छा, मेरे से भी अच्छे और हम सबसे भी अच्छा बनना है, तो आप सीखो उन, सीखो अपने प्रॉस्पेक्ट से, सिचुएशन से। जो इंसान सीख के निकलता है ना वो बहुत आगे बढ़ता है। जो पहले से सोचता है कि मैं ये आया तो ऐसे करूँगा, वो आया तो वैसे करूँगा, वो करता कुछ नहीं, सोच के रहता है सिर्फ। सही बात है, मतलब एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखे वीडियोज़ वगैरह और इन सब चीज़ों के मुकाबले। एंड यहाँ पे ना मैं अपने मतलब सभी व्यूअर्स को हमारे एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे अगर हमने बताया कि रेशो 20 में से मैं 8-5-8 AS करा दूंगा, आई गेस है ना, यही रेशो का था। तो होता क्या है गाइस कि हर एक का ना रेशो डिफरेंट होता है, जैसे कि शुभम भैया ने अभी बताया। अब अक्रम के पास इस लेवल पे ही हैज़ हिज इनकम टू शो, उसके पास एक बहुत बड़ी इनकम है, ह्यूज इनकम है, उसके पास एक बहुत बड़ा लेवल है, लाइफ स्टाइल है, उसके पास ब्रांडिंग है, एक ट्रस्ट, एक अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए एक जेन्युइनिटी है। तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसे असिस्ट करते हैं उसका रेशो बढ़ाने में। जब कोई भी लेवल निकलने वाला होता है ना करण, तो उस टाइम
तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसे असिस्ट करते हैं उसका रेशो बढ़ाने में। आप नए हो सकता है आपको ये रेशो ना आया हो, या हो सकता है आप इस रेशो को सुन के थोड़ा सा घबरा गए हो कि यार हमें तो आता नहीं है, तो शायद क्या हम ये काम हमारे लिए नहीं बना। इसके ऊपर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जब मेरे पास ये सब नहीं था ना, मेरे पे एक चीज़ थी जो सबको चीज़ों को मेरे पे खदम चूमने लगी, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंट। लोगों पे सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता, डरते हैं लोग। भाई मैं बोल रहा हूँ नहीं है 10 में से 1 ये, कॉन्फिडेंट तो रखो खुद पे। सही बात है, लोग कॉन्फिडेंट ही नहीं रखते कि होगा ही नहीं, सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, होगा या नहीं में ही बंदा खत्म हो जाता है। आप ठान लोगे होगा कि होगा क्यों नहीं होगा, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, आपका भी रेशियो बनेगा, इंस्टेंट नहीं बनेगा, 3 साल की मेहनत है। 100-150 बंदे बिठाते थे हम फ्री के बख्श, फ्री के बीओपीपी में, आज जाके ये सब रेशियो वेशियो सब ये इतना लिख रहा है। अब लोग बोल रहे हैं अरे ये हम भी नहीं दिखेंगे ऐसे यूट्यूब की वीडियो, पहले ऐसी यूट्यूब की वीडियो बनती थी, अब जैसे ये सब माइक वो ये सब स्टूडियो स्टूडियो कुछ भी नहीं होता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनमोल, जैसे कि अनमोल ने बोला कि सबका रेशो अलग होता है, और ये मत भूलो कि अकरम आज 3 साल के बाद सोरिंग मैनेजर लेवल पे वो कन्वर्जन निकाल रहा है ना। राइट, बहुत सारी चीज़ें जो आपने बोली बिल्कुल सेंस वाली बातें हैं, और मैं यही चीज़ बोलूँगा जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप सब लोगों को भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर्स बनाने पड़ेंगे, सारा गेम नंबर्स का है। अगर अभी अक्रम ने बोला कि मैं फ्री में 100-100 लोग बिठाता था, 80-80 लोग बिठाता था, और मैं अपने नॉन में नहीं जानता हूँ किसी भी पर्सन को जो यार 100 लोग बिठाता होगा। एग्जैक्टली, है ना। और टाइम मेरे को माइंडसेट भी तो ऐसा मिला था, वो जरमान फास्टेस्ट मैनेजर, या एग्जैक्टली राइट, डुप्लीकेशन अनदर मैसेज, जो आप करोगे आपका डाउनलाइन करेगा। सो विद टाइम आपकी भी स्किल्स पॉलिश होंगी, जब आप खुद पे काम करोगे, आपकी इनकम होगी, आपके पास लेवल होगा, तो आप भी अक्रम जैसा कन्वर्जन निकाल लोगे। राइट, सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड यू विल ग्रो। सो इंटरेस्टिंग था यार, मतलब अप्लाइंस ने रिकॉर्ड बनाया और तूने आगे वो जर्नी कंटिन्यू रखी, है ना? आज तेरी टीम में लोग रिकॉर्ड्स बनाएंगे। एग्जैक्टली, तेरे को देख के अब यहाँ पे कुछ नए, इनफैक्ट बनाया भाई नहीं बनाया, आई गेस कुछ टॉप रिक्रूटर का अवार्ड मिला था ग्लोबल रैली, टॉप रिक्रूटर तो अक्रम भी था, फ्रंट एएस मैक्सिमम कराए थे शायद, ऐसा कुछ था। वो ग्लोबल रैली का बोल रहे हो ना? आप नंबर 1 थे, असलम नंबर 3 इंडिया में भी थे और वर्ल्ड में भी थे। हाँ। वो थोड़ा सा एक बार बताओ, इंडिया के अंदर नॉन मैनेजर और पर्सनल बिजनेस के अंदर 2 साल से मैं नंबर 1 हूँ। अच्छा। हाँ, और अच्छी बात है। जो रिक्रूटमेंट होती है, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, मतलब मेरी और प्लस पूरी मेरी नॉन मैनेजर की, जिसको मैं लीड कर रहा हूँ, मेरे लीडर के अलावा सिर्फ मेरी लीडिंग हो रही है विदाउट माई लीडर, तो वो पूरी नॉन मैनेजर में सबसे ज्यादा जो सीसी हो रही है, जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसमें भी मैं 2 बार नंबर बनाया हूँ। पहली बार अकेले आया था, दूसरी बार जब आया टीम से एक बंदा ले गया, फ्यूचर में और भी लोग आएंगे। राइट, और वर्ल्ड में नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड में 2 बार आए हो आप? अरे वर्ल्ड में भी 2 बार आया, इंडिया में भी 2 बार, इंडिया में भी 2 बार। बहुत प्राउड की बात है अचीवर्स क्लब के लिए, बहुत प्राउड की बात है। और इस साल भी शायद आप नंबर 1 पे ही आओगे, पूरी कोशिश, मेहनत चल रही है, अभी तो खत्म नहीं हुए ना, दिसंबर में पता लगेगा कि ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट आपको। तो अक्रम, जैसे कि अभी आप, हम सारी बातें कर रहे हैं, आज आप सोरिंग मैनेजर लेवल पे हो, अच्छी इनकम पे पहुंच गए, फैमिली प्राउड फील कर रही है, आपने गाड़ी ले ली, थार गाड़ी ली है आपने, बहुत सारी चीज़ें आपने अचीवमेंट्स कर ली, बैक टू बैक ट्रॉफीज अचीवमेंट्स। हार्ड टाइम के बारे में अगर सोचते हो, जो आपका रफ टाइम था फॉरएवर में, जब कभी भी आया, जैसे आपने बोला कि मैं सीमेंट की कट्टे के ऊपर बैठ के कॉल करता था, जो भी आपने बताया, या आपने जो है छतों पे कॉलिंग करी है गर्मी में, क्योंकि आपके हैदराबाद की साइड में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस हार्ड टाइम के बारे में अगर आप किसी को शेयर करोगे, जैसे आज इतनी सारी ऑडियंस आपको देख रही है, एएस है, उसकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा रफ टाइम चलता है, क्योंकि हम सब लोग उस टाइम से गुजरे हुए हैं, एक एक पैसे के मोहताज होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, है ना, नर्वस कस्टमर जो डिसीजन बनाता है वो ये सेल्फ डाउट करने लग जाता है, तो वो रफ टाइम जो आपका था, आप उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताओगे, वो रफ टाइम क्या था आपके लिए फॉरएवर में जब आप आए थे? देखो सर, रफ टाइम तो मेरा बहुत था, और 50 मिनट का हो जाएगा, मैं और वो 50 मिनट का शॉर्ट में बता दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 से 2 मिनट में, 1 से 2 मिनट में बताऊँ तो यार, देखो मेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल नेगेटिव थे, पापा ने मुझे 2 बार घर से निकाला काम को लेके, और मम्मी ने भी बहुत बार मारा, भाइयों ने भी बहुत बार सताया, और काम को लेके काम करने जगह नहीं होती थी, कभी ऑटो में बैठ के, कभी छत पे बैठ के, कभी मेरे घर के पास में कटिंग की शॉप है उधर बैठ के, कभी चबूतरों पे बैठ के, कभी गाड़ी को डबल स्टैंड लगा कर बैठ के, बहुत ऐसा रफ टाइम आया। बट रफ टाइम जब आता था, हार्ड टाइम जब आता था ना लाइफ में, मेरा डायलॉग बहुत फेमस है, मैं ये 4 बातों को पहले से ही मानता था, खुद से, खुदा से, अपनों से, सपनों से। वो मेरा खुद से लड़ने का टाइम था, ऊपर वाला मेरी तप्पिश कर रहा था, देख रहा था कि मैं, अब देखो आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, ये गद्दे पे,
मैं स्टूडियो में आते ही क्या बोला भैया को, भैया एक गद्दा बड़ा नहीं लग रहा बहुत, क्योंकि यार मैं वो सीमेंट के थैले पे बैठा हूँ, आज मुझे गद्दा मिला। अगर मेरे को पहले से गद्दी मिलती थी ना, मैं बोलता था यार इसको एक कुशन लगा दो, मेरे को जम नहीं रहा। क्यों नहीं बोली मैंने बात? क्योंकि मैंने सीमेंट के थैले पे बैठ के काम किया। तो यार वो हार्ड टाइम में मैं हमेशा इस गद्दों के सपने दिखता था, ऐसे मेरा भी इंटरव्यू होगा, मेरा भी पॉडकास्ट होगा, मैं भी। तो मैं खुद से लड़ा, फिर खुदा से लड़ा, मतलब मैं रोता था रातों में, शुभम भाई सच बोल रहा हूँ, मैं रोता था बहुत। मैं अलग रहने लग गया रातों में, मेरे को अलग ही हो रहा है, मैं पंखे को देख रहा हूँ, पंखा गोल घूम रहा है, मेरी ज़िंदगी गोल घूम रही है, मेरे सपने ही अलग चल रहे, क्यों लेवल नहीं हो रहा। सुपरेसर का बेस बन रहा टूट जा रहा, बेस बन रहा टूट जा रहा, बेस 6 महीने लग गए। तो खुद से लड़ा, फिर खुदा से बहुत मन्नतें मांगी, रातों में दुआएं करे, गरीबों में हेल्प करी, हर चीज़ से मनाने की कोशिश करी उसको। फिर वो मान गया, उसको पता लग गया कि ये इंसान काबिल बन गया, अब इसको कोई लेवल दो। फिर उसने सुपर से लेवल दिया, फिर खुद से, खुदा से, फिर अपने सुपर से लेवल हो गया, अपने भिड़ने लग गए। अच्छा। कि तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, 4 बच्चे घर आके काम कर रहे तेरे, क्या कर रहा है, लड़ाई हो रही है तेरी, कभी तू कॉल पे किसी से कुछ बोल रहा है, कभी तू दोस्तों में रात रात भर चल रहा है, प्रभु इच्छा चल रही है, 5-5 बजे तक ट्रेनिंग देख रहा है, अपनों से भिड़ना। एस लेवल पे मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, सुपरवाइजर पे और डबल हो गई। एस लेवल पे तो ताने मिलते थे, कुछ ऐसे ही चलता था, सुपरवाइजर लेवल पे तो घर के बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया, 1cc के प्रोडक्ट्स फेंक देने ऊपर से, बहुत बार मेरे पापा फेंक दिए, कारप्लेन लेवल 1 किट तक ट्रॉफी थोट दी है मेरी, मेरी कार्पन लेवल 1 की ट्रॉफी, लेवल 1 की तक ट्रॉफी थोट दी है मेरी, मेरी कार्पन लेवल 1 की ट्रॉफी पीछे से थोड़ी टूटी है। तो नेगेटिव किस हद तक है सोचो, वो चीज़ को भी मैंने, मैं कार्पन लेवल 2 भी घर पे बैठ के किया, जस्ट इमेजिन, अपनों से मैं कार्पन लेवल 2 तक लड़ा, तब भी मेरे अपने फरेवर के खिलाफ ही, कार्पन लेवल 2 तक, जब लाखों रुपए आ रहे थे, लाखों रुपए आ रहे, दिखा रहे हो कि लाखों रुपए आ रहे, वो बोल रहे पैसे तेरे चाहिए नहीं, तू कॉलेज जा, ये चाहिए नहीं, ये आ जाएंगे कल बंद हो जाएंगे, तेरी पढ़ाई एक बार आएगी ज़िंदगी भर चलेगी। मैं बोल रहा हूँ मेरे पे जितनी पढ़ाई की नॉलेज है आप मेरे खड़वा दो, कोई भी बंदा लाओ मेरे सामने जो मास्टर्स करके बिजनेस की स्टडीज़ करके, मैं भी उसको स्ट्रैटेजी सिखा सकता हूँ, वो 5 सिखाएगा तो मैं 3 तो सिखा सकता हूँ 10वीं पढ़ के। फिर माँ बाप माने नहीं, जब मैंने कार्पन लेवल 3 करते वक्त ऑफिस डाली, तो जब मेरे माँ बाप को विश्वास हुआ, जब ऑफिस का इनॉग्रेशन वो किया, अभी वाली नहीं पुरानी वाली, एक छोटे से शटर से, वहाँ पर भी हमने प्लास्टिक की चेयर्स वगैरह पे काम शुरू किया था। पहले आपको कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स के अंदर छोटा सा शटर था, वहाँ से मेरी ऑफिस की शुरुआत हुई थी, एक टेबल बॉस चेयर, वहाँ से थोड़ा फैमिली को ट्रस्ट आने लगा। जब मेरे दोनों भाई फॉरएवर में आ गए थे, जब दोनों भाई को भी कुछ पैसे आने लग गए थे नहीं, तब पूरा घर शांत हो गया था। अच्छा। क्योंकि यहाँ सफार बन के आऊँगा बोल के, बट अभी भी बन के नहीं हूँ, अभी भी मेरा सपने से लड़ाई चल रही है, मेरा सपना अब से नहीं है ये। जब AS किया था ना शुभम भैया, तब से बोल रहा हूँ, कृष्णा सर को भी मेंटरशिप में बोला कि आप इंडिया के कृष्णा अरोड़ा होंगे, मैं हैदराबाद का बनूंगा, कि मैं आपके लेवल तक, अब से नहीं बोल रहा, 3 साल से बोल रहा हूँ, बट 3 साल पुराना लेवल भी कृष्णा सर का अचीव नहीं कर पाया मैं। मेरी भी बिलीफ में जितने लोग बोलते हैं इसके लाइफ सर स्ट्रगल चल रही है, मेरी भी चल रही है, तुम्हारी तुम्हारे लेवल पर चल रही है, मेरी मेरे लेवल पर चल रही है। सोचो मेरा सब, मेरे डायरेक्ट में 3 AM है, AM बन के अभी तक वो मैनेजर नहीं बन पाए, उनकी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, सपनों का सामना है, उनका भी मेरा भी, क्या पता उनका सपनों वाला का टारगेट चल रहा, वो भी अपने सपने के लिए लड़ रहे मैनेजर बनने, मैं भी अपने सपने के लिए लड़ रहा, तीनों में से कोई एक तो बन जाए, मेरा भी सफार हो जाए, मेरा भी सपना बढ़ जाए। तो खुद से, खुदा से, अपनों से, सपनों से लड़ाई चलती रहेगी। आज सफार पूरा होगा तो फिर मेरी लड़ाई होगी डायमंड के लिए, डायमंड भी हो गया मेरा, उसके बाद 15 CB खड़ाने के लिए लड़ाई होगी। सही बात, लाइफ में स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, S+S=S, सक्सेस स्ट्रगल, सॉरी सेक्रीफाइस स्ट्रगल सक्सेस, सेक्रीफाइस नहीं करेंगे चीज़ों को, स्ट्रगल नहीं करेंगे लाइफ में, सक्सेस नहीं मिलेगी। और मेरे लिए, मेरी नज़र में सक्सेस वो नहीं है जो लाइक आपकी ट्रॉफीज आपकी अचीवमेंट है, सक्सेस वो है जो आप लाइफ सोचते हो वो पाए हो, बस सक्सेस वो होती है। मेरी लाइफ में मैं जो भी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, आज से 3 साल पुराने मैं ऐसी लाइफ स्टाइल सोचता था, आज मैं जी रहा हूँ, आज के लिए मैं जो लाइफ स्टाइल सोच रहा हूँ तब वो जीऊँगा, तब मैं सक्सेसफुल रहूँगा, जब वो लाइफ स्टाइल में आऊँगा तो और बड़ी सोच हो जाएगी। तो सक्सेस मिलने वाली नहीं है जब तक हम मरेंगे नहीं, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सही तरीके से तूने बताया समझाया। अच्छा अकरम, मेरा तो यार अब तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ही है तुझसे, है ना, वरना ये लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि अपनी पूरी जर्नी से कौन से ऐसे 3 सक्सेस प्रिंसिपल्स तू देना चाहेगा, मेनली 3 टिप, जितने भी AS नोअर्स, जितने भी लोग मैनेजर्स भी इनफैक्ट जो देख रहे हैं एंड जो ग्रो करना चाहते हैं, मतलब वो क्या करें, 3 चीज़ें क्या ध्यान रखें, बेस्ट एडवाइस। भूल जाओ कि आप क्या हो। मैंने अपने हर छोटे बड़े
सबसे सीखा है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अचीवर्स क्लब में कोई बंदा नहीं है जिसकी मैंने ट्रेनिंग नहीं दी। मैनेजर से पहले हो सकता है अब ये बात AS सुपरवाइजर को हिट करे, मैनेजर से पहले मैं भी सुनना नहीं पसंद करता था। मैं भी बोलता था यार मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, अरे इसके फॉलोवर, ओए सर का मजाक उड़ाता था मैं, सर 7,000 फॉलोवर, 20,000 फॉलोवर, ओए सर बोलते थे अरे तेरे फॉलोवर मेरे फॉलोवर में फ़र्क है। तो पहले मेरे अंदर भी था कि यार मैं ये कर क्यों, अरे इसकी क्यों सुनूं। जब से मैं मैनेजर बना एक अकल आई कि हर इंसान से बहुत कुछ सीखने नहीं मिलता, एक चीज़ सीखने मिलती। हर इंसान से एक एक चीज़ें सीख के मैं यहाँ तक आया। मेरी जो सक्सेस स्टेप्स है ना वो हर इंसान की, अनमोल भाई से भी मैंने सीखा कंसिस्टेंसी, शुभम भैया से सीखा हार्ड वर्किंग एटीट्यूड। तब देखता हूँ जूम कॉल पे लगे हुए, कभी नहीं देखा, आज मैं उनकी ऑफिस से आया हूँ जूम कॉल पे लगे हुए ये। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तरंग सर से कुछ सीखा हो, कृष्णा सर, रोहित सर जहाँ AS बनाया वहाँ फ्लाइट पकड़ के चले जाके, ओएस सर से सीखा हो काम रहना एकदम शांत, अमित सर से सीखा हो बातें बनाना। तो भाई हर इंसान से मैं चीज़ें सीख सीख के एक अपने अंदर खूबी लाया। मैं अपनी माँ के जब जन्म लिया था तब मेरे को ये टैलेंट नहीं था, तब अकरम वॉज डिफरेंट, अब अकरम वॉज डिफरेंट। ये दुनिया के अच्छे लोगों से सीखा मैं। तो फर्स्ट थिंग लर्निंग एटीट्यूड रखना हर इंसान से, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री का हो या बाहर की इंडस्ट्री का हो, बट उसकी सुनना, उसकी समझना जो कुछ किया है, जाके आप आपकी दोस्त की बात सीख के मत बैठ जाना क्योंकि वो किया नहीं। लर्निंग एटीट्यूड फर्स्ट थिंग। बहुत लोगों ने बताया होगा, अब सोच रहे होंगे अकरम सर कुछ नया बताएंगे, नहीं कुछ नया बताएंगे। इंसान को दो कान होते, एक नाक होती, दो आंख होते, एक मुंह होता, सब सेम है। सही बात। तो भाई नया कुछ नहीं होता, लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर लाना पड़ेगा, हर इंसान से सीखना पड़ेगा। ट्रेनिंग देखो तो पूरी सीखने मत बैठो, एक चीज सीख के निकल जाओ बस काफी है। एक एक करके तुम 3 साल में बहुत चीजें सीख जाओगे। दूसरी चीज मैं बोलूंगा यार, अपने आप में ना एक विजेता बनने का कॉन्फिडेंट रखो। लोग क्या करते, बोलो कि यार मेरा काम नहीं हो पा रहा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। क्या डिस्ट्रैक्ट, अंबानी जी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे अपने गोल से कि वर्ल्ड नंबर रिचेस्ट पर्सन बनना है, तुम क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? बहुत अच्छी बात है, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा भाई। सही बात है। कृष्णा से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे करोड़ों रुपए कमा के, तो तुम क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? आपको हमेशा अपने अंदर एक जीतने वाला बंदा पाना पड़ेगा। देखो ये जिस्म दुनिया का है, रूह ऊपर वाले की, और किसी भी इंसान की रूह नहीं होगी जो हारने वालों में से होगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपका दम टूट जाता है ना, तब भी जो रूह से जो दिल चलता है वो भी कुछ 30-40 मिनट चलता है, इंसान मरे बाद भी 5 मिनट या कितने मिनट चलता है मेरे को नहीं पता, मैंने एक देखा था 11 मिनट या 40 मिनट कुछ होता है इंसान मर के बाद, तब वो उसका दिल चलता है, मतलब दिल चलता है रूह से। तो रूह तब भी तुम्हारी ज़िंदा रहती है, तो मरे बाद भी रूह के अंदर हिम्मत होती है जिंदा रहने की। तो तुम्हारे अंदर की जो रूह है बहुत स्ट्रांग है, उसको जीतने वाली बनो। तुम ये दुनिया वालों की बातों में आके हारने वाले इंसान बन रहे हो। सेकेंड, तभी तो सोरिंग मैनेजर। थर्ड चीज, एक सक्सेस टिप यही है कि लव द प्रोसेस। बहुत मजा आता है मेरे को यार, सफ़ायर क्यों छूटा, सीखा मैं क्यों छूटा। और सच कह रहा हूँ, जब दोबारा सफ़ायर करूँगा ना, कसम बोल रहा हूँ, इतना तगड़ा सफ़ायर मैनेजर पे आज तक किसी ने उतना हाइयर चेक नहीं लाया होगा, आपने भी नहीं लाया होगा, मतलब उतना चेक लाऊंगा। आपका जब सफ़ायर बने होंगे आप 1 मिलियन आया होगा अराउंड, मैं उसका डबल लाना चाहता हूँ। ऐसा सफ़ायर के जो शायद इसलिए टाइम लग रहा हूँ, टाइम लग रहा हो क्योंकि मैंने चीज़ें बहुत सीखी है। गुड थिंग्स टेक टाइम, तो थर्ड चीज़ यही है यार, प्रोसेस से प्यार करो। आज आपको लेवल नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्विटेशन तो हो रहा ना, जीवित तो हो ना कोई काम में, काम का एंजॉय करो यार। अरे क्या मजेदार प्रोस्पेक्ट है यार, अरे यहाँ की लड़की से बात ही, अरे वहाँ के लड़के से बात ही, अरे यहाँ के दोस्त बने। अब मैं हर स्टेट में घूमता हूँ वहाँ पे मेरे दोस्त निकलते। लव द प्रोसेस। अभी मेरे को प्यार आता है कि यार नया बंदा ज्वाइन करा, अब इसको ट्रेन करूंगा, मैनेजर बनूंगा, अब मैं तो बोर हो जाना चाहिए। क्या है, सिंपल वंडा है फॉर एवर का, AS बनो, AS बनाओ, उसको सुपरवाइजर बनाओ, उसको मैनेजर बनाओ, फिर उसको इंडिपेंडेंट बना दो, फिर उसका CV करा के उसको हर साल CV करने की आदत लगा दो, वो लाइन चलती रहेगी अब जिंदगी भर। दूसरी लाइन पकड़ो, कोची कोच, कोची कोची कोच, कोच बनो, कोच बनना सिखा दो, फिर उनको कोच बनाओ, उनको कोच बनना सिखा दो, खत्म, सक्सेस। उसके बाद बैठो 50 साल की उम्र में अपने प्राइवेट जेट में, अपने प्राइवेट याच में, बीच पे, प्राइवेट बीच पे। बट ये प्रोसेस का अगर आप इंजॉयमेंट कर लिए ये प्रोसेस को, मेरे को इंजॉय आता है यार। अकरम 50 साल की उम्र में तू बोल रहा है कि सारे मैनेजर्स मेरे फार्म हाउस पे आ जाओ सर, फिर लोग मेरे से पूछेंगे कौन से वाले। ये विजन है, क्योंकि प्रोसेस से इंजॉय कर रहा हूँ। मैं 50 साल का भी होऊंगा रिक्रूटमेंट करूंगा, बिलीव मी। क्यों, अच्छा लगता है। सही बात। नए नए लोगों को बनाना, कुछ लोग आते ज्वाइन करके छोड़ देते, कुछ लोग आते ज्वाइन करके फटाक से सक्सेस बन जाते,
अलग अलग पर्सनैलिटी, तो लव दी प्रोसेस यार, जितने लोग सुन रहे यार, प्रोसेस से प्यार कर लो, कामयाबी मिले ना मिले, कामयाबी वही है जिसको काम में कामयाबी दिखने लग गई, बस। ग्रेट यार, काम में कामयाबी दिख गई तो क्या, कामयाब मिल गई, बात खत्म। सिंपल, सॉर्टेड, क्रिस्प एंड बेस्ट टिप्स थे और बहुत इफेक्टिव चीजें। मेरे को ज्यादा पता है क्रिस्प नहीं थे शायद ये। नहीं 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 क्रिस्प थे, और लास्ट वाला टिप जो था ना, लव दी प्रोसेस, दैट वाज बेस्ट, टू द पॉइंट थे, जो मतलब लोगों को चाहिए। देखो सेम चीज रिपीट हो रही है, जैसे आपने बोला ना, सबने सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, बट जब आपसे आई तो ये चीज पता लगा कि आपकी भी वही फिलॉसफी है, मतलब वही तरीके अलग है, वही सेम चीज जो रिपीट हो रही है, फॉलो कर रहे होंगे, तरीका अलग है आपका, और जिस तरीके से तुमने बताया ना, वो तरीका अलग था, वो तरीका अलग, सबका तरीका अलग है, बिल्कुल। अब ज्यादा देर नहीं करते, मेरे पास ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, रैपिड फायर। ओह, रैपिड फायर, इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया, तो बहुत सारे हो गए, अब इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं, कमर सीधी कर लो क्योंकि ये सवाल से मेरे को भी थोड़ा भी डर लग रहा है, फायर है लास्ट में इसमें थोड़ी। रैपिड फायर, देखो भैया आग तो होगी, सबसे पहला ही बॉम्ब फेंक दो, फेंक दो, हैं, फेंक दो सबसे पहला, पर जल्दी जल्दी होगा, ठीक है, सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ नहीं नहीं, स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंट, ठीक है। चलो तो फिर पहला क्वेश्चन, रेडी, एमआर या ईएमआर? ईएमआर, इंटरनेशनल होता है, ईएमआर। दूसरा क्वेश्चन, मिलेनियर्स क्लब या सीनियर मैनेजर? सीनियर मैनेजर। कृष्णा अरोड़ा या तरंग अरोड़ा? जल्दी जल्दी, ओएस रहमान, ओएस रहमान, गुड। अच्छा अच्छा, ये बात पे थोड़ी सा टाइम लू, कृष्णा अरोड़ा, तरंग अरोड़ा, मैं एक आंखी साथ जी नहीं सकता, मेरी दोनों आंखें इंपॉर्टेंट है, दोनों आंखें इंसान को जरूरी होती है ना, स्मार्ट आंसर है, देख रहे हो पॉडकास्ट, खुश रखना अपलाइन को। अच्छा, व्हाट वुड यू बी इफ यू आर नॉट एन अचीवर्स क्लब? अगर अचीवर्स क्लब में ना होता तो क्या होता या क्या काम कर रहा होता? मेरे पे एक ऑप्शन नहीं है, तीन चार ऑप्शन है। पहली चीज, मैं अपना स्टूडियो खोल रहा होता जिसमें मैं हफ्ते में कमा रहा होता 2-3 हज़ार। सेकेंड, मैं या स्टडी कर रहा होता अभी भी, क्योंकि अभी भी मेरी डिग्री सेकेंड ईयर चल रही होती, और कोई ना कोई डेंटल क्लिनिक में जॉब कर रहा होता जहाँ से मैं, मैंने को स्टोरिंग मैनेजर ना होता तो क्या होता? सिर्फ एक आंसर, अचीवर्स क्लब में बोल रहे या फॉरएवर के अलावा? फॉरएवर ही ना होता तो कुछ नहीं होता, और क्या, बाबा जी का ढुल्लू होता मेरी नज़र में, बट नहीं सोच पाऊंगा यार, सॉरी। दिल्ली का फूड या हैदराबाद का फूड? हैदराबाद का फूड, हैदराबाद का, नहीं आए हो ना, हैदराबाद बिरयानी, आ जाओ हैदराबाद, जरूर आएंगे, अगला पॉडकास्ट आपका हैदराबाद में ही करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, एट डायमंड सफायर, डायमंड सफायर, सॉरी डायमंड मैनेजर, डायमंड मैनेजर, चलो डन है, ठीक है। और अक्रम मुझसे पहले करना है इस बार, डायमंड मैनेजर, बिल्कुल डायमंड सफायर मैनेजर, बिल्कुल, ठीक है, अच्छा है, विल डू हेल्दी कॉम्पिटिशन ब्रो, बिल्कुल, इट इज गुड। सो अब इस बार अक्रम मुझसे पहले करेगा, एंड फिर करेंगे पॉडकास्ट दोबारा से। तो शुभम भैया, हाँ जी, हमारा रैपिड फायर तो निपट गया, और मुझे लग रहा है आज हमारी ऑडियंस ने, इनफैक्ट हम दोनों ने भी बहुत कुछ सीख लिया भाई, बहुत कुछ पता लग गया, इनफैक्ट हमें भी कुछ चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी, जिस हिसाब से बता रहा था 50 बंदे 100 बंदे बिठा दिए, हमें भी एस के दिन याद आ गए कि हाँ भाई, लोग मेहनत करते थे, हम भी मेहनत करते थे, हम भी कॉलिंग करते थे। और एक चीज़ और, जैसे हम, आपने बोला कि अक्रम हमें सीक्रेट क्यों बताएगा, तो एक चीज़ पता लगी यार, कोई सीक्रेट ही नहीं है, राइट, ये मिथ है, बस सिर्फ और सिर्फ काम करना है, लोग काम करना भूल जाते हैं, लोग शॉर्टकट्स, और जो है लोग जो है शॉर्टकट्स के साथ साथ कोई सीक्रेट मिल जाए, कोई अपलाइन से कोई टिप मिल जाए, कोई पासवर्ड मिल जाए, या कोई रोहित सर बोलते हैं ना चीट कोड्स मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत, सिर्फ काम, सिर्फ लगन, सिर्फ कंसिस्टेंसी, सिर्फ फोकस्ड। सीक्रेट क्या हो सकता है आप बताओ, आप लोग मेरे से ज़्यादा सीनियर हो, कुछ नहीं है यार, आप बताओ कुछ तो बताओ, आप तो कृष्णा सर की फ्रंट लाइन हो। देखो मैं सीनियर नहीं हूँ, मैं हम तो सेम एज के हैं भाई, मैं सीनियर ही है, सीनियर सिटीजन अचीवर्स क्लब के। मैं भी यही कहना चाहूंगा, जितने लोग सुन रहे हैं यार, सीक्रेट है ही नहीं कुछ, सही बात, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस इतना है कि किसी के पैरों में जान ज्यादा है वो तेज दौड़ रहा है, किसी के पैरों में जान कम है। अब जान बढ़ाने के लिए आपको अपने पैरों को मजबूत बनाना पड़ेगा, मतलब रास्ता सेम है, आपको उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। मैं बोलूँ किसी, जितने लोग अभी तो ये पॉडकास्ट देख रहे ना, आपका होमवर्क ले लेना मेरे से, जाना फॉरएवर का पूरा मार्केटिंग प्लान पढ़ लेना, जहाँ तक हुनामी पहुँच चुकी है ना, उसके बाद कोई लेवल नहीं है, नहीं है, वो लेवल कितने मैनेजर्स पे होता है, वहाँ पे कितने का जंप बोनस आता है, क्यों आता है, कितने जनरेशन तक इनकम आती है, कितनी डायरेक्ट से कितना होता है। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, 2 CG करने का रिकवरी मनी ये बताते होंगे, 5 लोगों का IAS करा दिया, पैसे रिकवर हो गए। एक सवाल पूछो, होमवर्क है आप सबका,
कितने प्रोडक्ट रिटेल करने से पैसे रिकवर होते हैं ये बोलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क है आप लोगों का। ट्रू भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी फील्ड में गए जो डॉक्टर है, वो रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, वो प्रोडक्ट रिटेल ऐसे कर सकते। डॉक्टर है, हेल्थ प्रोडक्ट रिकमेंड यूं कर सकते। अब उनको मैं दो चीजें करवाते वगैरह रिक्रूटमेंट बताऊंगा ना, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। हेल्थ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बताऊंगा तो ज्वाइन करेंगे। ज्वाइनिंग का बिजनेस नहीं है, पूरी दुनिया दो चीज पे चल रही, प्रोडक्ट सर्विस। हम किस चीज पे कर रहे हैं मालूम, सिर्फ सर्विस। जब हम पे और एक भी तो हथियार है, उसको भी उठा लो। प्रोडक्ट्स वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है। कटरीना बोलती है कि संतूर का साबुन लगवाओ और मेरी तेरी सॉफ्ट स्किन लगाओ। छुए कभी शुभम भी आपने? छुआ होगा आप तो। शुभम को मौका नहीं मिला अभी। अनमोल को मिला है लास्ट की वीक था। बट हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे भरोसा कर रहे हैं। बट फॉरएवर को कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने की नीड क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि प्रोडक्ट में दम है। इस वजह से एडवर्टाइजमेंट उसको करना होता है जिसमें दम नहीं होता। इसलिए रोल्स रॉयस भी कभी एडवर्टाइज नहीं देती अपनी गाड़ी का। फॉरएवर इसलिए एडवर्टाइज नहीं देती क्योंकि प्रोडक्ट में दम है। दम है, नहीं भरोसा खरीदो मालूम पड़ेगा। फॉरएवर तो इनफैक्ट ये भी बोलती है कि तभी तो हम पे आउट नहीं दिखाते क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दम है। अगर हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो हम चेक दिखाते फिर। मेरे मम्मी के जॉइंट्स पेन का दर्द दूर हुआ है फॉरएवर से। मेरे पापा का वेट लॉस हुआ है, मेरी बहन का वेट गेन हुआ है, मेरा वेट गेन हुआ है, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हुई है, मेरे भाई के ससुर हुआ है क्या वेट गेन हाँ बहुत हुआ है, मेरी शक्ल ठीक हुई है भाई, मेरे बाल ठीक हुए, बहुत सारी चीज हुई फॉरएवर के प्रोडक्ट से। 3 साल से तू जल इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रोडक्ट्स के बारे में बोलूंगा तो एक और पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा। बोलूंगा नहीं, होमवर्क इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। एक और होमवर्क है, मार्केटिंग प्लान अच्छे से समझ लो, प्रोडक्ट्स बेस पे अच्छे से नॉलेज ले लो। तीसरी चीज कि भाई आपको जो है ना हर इंसेंटिव, हर चीज कैसे अचीव करनी है, सारे एक्शन प्लान आपको पता होने चाहिए, तो आप कभी फॉरएवर में अचीवर्स क्लब में ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस लेवल पे कितनी इनकम आएगी, इस लेवल पे पहुंचने के लिए कितने बंदे फ्रंट में चाहिए। Exactly. अब लोग 50 प्रोस्पेक्ट नहीं बिठा पाते, क्यों? क्योंकि इनके लिए 50 बहुत है। अभी जब तुम हुनामी के फ्रंट में 280 मैनेजर सुनोगे तब तुम्हें तो 50 प्रोस्पेक्ट कम दिखेंगे। लोगों को पता नहीं होगा बहुत सारे लोग हुनामी कौन है। घंटे पॉडकास्ट में हो गया वो लाखों का माली होगी अभी तक। फॉरएवर की ये पावर है, आप मटका लेके लोटा लेके जाओ या अचीवर्स क्लब का कप लेके जाओ, आप पूरा समंदर अपने कब्जे में करने के रखो। दम होना चाहिए, है दम, काम करो होगा। दम नहीं हो के बड़े सपने देख रहे हैं तो भैया बेवकूफ हो, आई एम सॉरी, आप बेवकूफ हो। सपने वही देखना चाहिए जिसके अंदर दम होता है। 99.9% लोग सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो स्ट्रगल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपनी शादियां, अपने फेस्टिवल्स, अपने कंफर्ट जोन, अपने सीरियल्स, अपनी दोस्ती यारी सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते। सक्सेस कहाँ से मिलेगी? सक्सेस एक ऐसी मोहब्बत है जो चाहती है कि शिद्दत से प्यार हो, दुनियादारी भूल जाओ, सिर्फ मोहब्बत दिखनी चाहिए, रातों में सपने आने चाहिए। जब सच्ची मोहब्बत होगी ना, थ्री इडियट्स मूवी देखी, हवा चलने लगेगी, बाल उड़ने लगेंगे, बारिश होने लगेगी। जब असली में सक्सेस चाहिए होगा ना, तब ये सब होगा। असली मोहब्बत से तो नहीं होगा, तब आपको सारी दुनिया अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखेगी, शादी अलग दिखेगी, सब अलग दिखेगी, काम अलग दिखेगा। सही बात है, एग्जैक्टली बस यही कहना चाहूंगा। और नहीं, बहुत अच्छी बात है, आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी नई चीजें सब लोगों ने सीखी, हमने भी सीखी है। थैंक यू सो मच अकरम हमारे इस शो पे आने के लिए, जो कि season 2 का episode number 2 था, और यहीं पर ही हम हैं episode number 3 में। आप right. कुछ बोलना चाहोगे अनमोल? बिल्कुल, मैं कॉन्क्लूड करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट को कि जैसे कि अकरम ने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो कॉन्क्लूजन ये है कि यू नीड टू हैव दैट ड्राइव। जैसे अकरम ने कहा कि सपने हर कोई देखता है, सपने आपको भी होंगे, बट वो एक ड्राइव अगर आपके अंदर नहीं है ना, मतलब सबके लिए अकरम ने बताया पाथ सेम है, रास्ता सेम है, लेकिन हर एक की टांगे अलग हैं, राइट, चलने वाले अलग हैं। तो आपकी टांगों में कितना दम है, कितने मजबूत हो, कितनी ड्राइव है आपके अंदर, वो चीज़ बताएगी कि आप अपने एंड गोल तक पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। सो दैट्स इट। सो अकरम, थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू सो मच सर, मजा आया।